जय हिंद दोस्तों। दोस्तों हम लोग आज पढ़ेंगे अधिगम के वक्र। अधिगम के वक्र, सीखने के वक्र, अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। देखिए फिर से, सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। किसने कहा है? गेट्स जी ने। और इसमें दूसरा पॉइंट क्या है? सीखने की प्रक्रिया प्रयास और मात्रा को किसी रेखा से प्रदर्शित करते हैं। तो किसी रेखा से प्रदर्शित करते हैं तो एक नई रेखा बनती है, उस रेखा को बोलते हैं वक्र रेखा। बोल दिया हूं, वक्र रेखा, ठीक ना। सीखने की प्रक्रिया प्रयास और मात्रा को किसी रेखा से प्रदर्शित करते हैं तो एक नई रेखा बनती है, उस रेखा को क्या बोलते हैं? वक्र रेखा बोलते हैं। ओके, इसमें और नेक्स्ट है, सीखने के वक्र सीखने की प्रगति के सूचक होते हैं। तो अब इसमें है अधिगम के वक्र के प्रकार हैं, उसको देख लेते हैं। वक्र के प्रकार, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यह वाला इंपॉर्टेंट है। सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। गेट्स ने कहा है, सीखने की प्रक्रिया प्रयास और मात्रा किसी रेखा से प्रदर्शित करते हैं तो एक नई रेखा बनती है, उसको बोलते हैं वक्र रेखा। सीखने के वक्र सीखने की प्रगति के सूचक होते हैं। ओके, तो इसको हम मिटा दें, इसके साथ ले लीजिए। अब करते हैं अधिगम के वक्र के प्रकार, अधिगम वक्र के प्रकार, अधिगम वक्र के प्रकार कितने हैं? वही चार में प्रकार हैं। तो पहला हम लिखते हैं, पहला है सरल रेखा वक्र, सरल रेखा वक्र, सरल रेखा वक्र को एक और बोलते हैं समान निष्पादन तर्क, समान निष्पादन तर्क। निष्पादन तर्क चार प्रकार हैं अधिगम के, चार प्रकार हैं, वही मैं बता रहा हूं, लिख रहा हूं, इसको नोट कर लीजिए। उन्नतोदर, उन्नतोदर, उन्नतोदर ऋणात्मक या सकारात्मक, सकारात्मक नकारात्मक, नकारात्मक वक्र, अधिगम वक्र, ठीक ना। और करते हैं तीसरा, तीसरा है नतोदर, नतोदर धनात्मक, ये नकारात्मक या सकारात्मक हो, सकारात्मक अधिगम वक्र, अधिगम वक्र की बात कर रहे हैं ना, वही अधिगम वक्र। और लास्ट है मिश्रित यश प्रकार का, मिश्रित यश प्रकार, यस प्रकार, यस प्रकार आकार, यस आकार अधिगम वक्र। चार नोट कर लिया आपने? देखिए ये जो है ना, ये ऐसा वक्र जो सब जो वक्र बना है ना, ये सिर्फ किताबों में मिलता है, ये व्यवहारिक जीवन में नहीं है। जो वक्र है
एक किताबों में मिलता है, व्यवहारिक जीवन में नहीं मिलता है। बात समझ गया? तो अब एक एक का हम जो वक्र है उसके बारे में बता दे। तो पहले सरल रेखा वक्र समान निष्पादन, तो अब इसको हम देखिए नोट कर लीजिए, अब मिटाकर एक एक में बता रहा हूं, ठीक है ना। सरल रेखा वक्र समान निष्पादन वक्र का मतलब है, देखिए सरल रेखा किसे कहते हैं, सरल रेखा दो बिंदुओं के बीच की दूरी को, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, रेखा बोलते हैं, समझ गए ना, रेखा बोलते हैं, या तो 180 डिग्री को बोलते हैं, ये रेखा है। लेकिन हमको समझना है सरल रेखा वक्र, वक्र कैसे बनता है। आप लोग पहले मैथ में वक्र बनाए होंगे, ग्राफ को जी ग्राफ बोलते हैं, ग्राफ तो बनाए ही होंगे आप लोग। तो ग्राफ कैसे बनता है देखिए, ग्राफ इस पॉइंट को मान लेते हैं जीरो, इस पॉइंट यहां पॉइंट हो गई, एक रेखा इधर खींचिए, एक रेखा इधर, ठीक ना। उसमें बताया था कि वक्र जो अधिगम है, प्रयास और मात्रा दोनों को दर्शाता है, प्रयास और मात्रा को दर्शाता है कितना अधिगम हुआ है, जो अधिगम का वक्र है। तो ये जीरो पॉइंट पर है, एकदम 90 डिग्री पर है, समझ गए। तो अब इसको मान लीजिए प्रयास, ये हो गया मात्रा आपका, ये प्रयास या मात्रा, समझ में आ रही बात। तो अब यहां पर कोई पॉइंट ले लीजिए, मतलब 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, अभी यहां पर भी तक हम ले लीजिए 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 दिया है। सरल रेखा वक्र समान मतलब कि इसमें क्या होगा, प्रयास और मात्रा, प्रयास और मात्रा दोनों समान रूप से होंगे, प्रयास और मात्रा दोनों समान रूप से होंगे। तो यह हो गया सरल रेखा वक्र या समान निष्पादन वक्र, मतलब अधिगम, जब अधिगम का प्रक्रिया में, अधिगम की प्रक्रिया में अधिगम की मात्रा और अधिगम का प्रयास, अधिगम की मात्रा और अधिगम का प्रयास जब समान रूप से बराबर हो तो यह होता है सरल रेखा वक्र। बात समझ में आ रही है आपको? तो अब मतलब कैसे, मैंने पांच आम खाना है, ठीक समझ लीजिए, हमको पांच आम खाना है और पांच आम को हम पांच प्रयास में खा रहे हैं, पांच आम को पांचों प्रयास में खा रहे। तो पांच आम यहां प्रयास कितना है, पांच, और मात्रा कितना, पांच बार में खा ले। फिर मान लीजिए कि दस आम है, दस आम हम जो दस प्रयास में खा गए, तो अब फिर मान लीजिए कि 15 आम है, ऐसे ही बनता है, तो 15 प्रयास में हम खा गए। तो अब जो इसको मिलाने वाली रेखा है ना, ये मिल जो रेखा रही है, यही है सरल रेखा वक्र, सरल रेखा वक्र, समझ में आ गई बात ना, ये है सरल रेखा वक्र। और फिर नेक्स्ट है दूसरा है उन्नतोदर ऋणात्मक, इसको मिटा दे रहा हूं, अब है दूसरा उन्नतोदर, उन्नतोदर या ऋणात्मक, ठीक ना। और देखिए इसका फिगर कैसे बनेगा, देखिए यह जो रेखा है ना, ये उन्नतोदर तक रेखा जो आरंभ है, पहले तो इसको रेखा बनाइए कैसे होगा रेखा, ये ठीक। और इसमें क्या है, आरंभ में प्रयास, देखिए आरंभ में यह जो है, आरंभ में,
आरंभ में प्रयास जो है कम होता है और मात्रा अधिक होती है। प्रयास जो है ना कम होता है और मात्रा अधिक होती है। भाई किसी चीज को शुरू में ना आदमी जब प्रयास करता है और कम मात्रा में पाता है, तो वही चीज बता रहा है कि जो प्रयास होता है अधिक होता है और मात्रा कम होती है, और अंत में ना, और अंत में प्रयास जो है अधिक हो जाता है। प्रयास लोग अधिक करते हैं और मात्रा कम हो जाती है। और यही चीज है उन्नोतक और उन्नतोदर या ऋणात्मक अधिगमक ना, और इसको दर्शाते हैं ऐसे। पहले ऐसे मतलब कि यहां पर कर लीजिए 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, यहां पर 5, 10, 15, 20, 25। इसमें क्या है, प्रयास जो है ना कम होता है, शुरू में प्रयास जो है कम होता है। जैसे यहां पर अभी ना, मान लीजिए कि मैंने प्रयास 5 किया तो 5 मिला, लेकिन यहां पर 10 किया, प्रयास जो है मैंने किया इतना, फिर 15 किया, बराबर हो जाएगा क्या जी? रेखा यहां से टेढ़ी बनी है, यहां से टेढ़ी बनी है, ऐसे होता है, बन नहीं रहा है। अच्छा मान लीजिए इसे बनाइए, आरंभ में प्रयास जो है ना, प्रयास जो है कम होता है। मान लीजिए कि 5 प्रयास किए हम, 10 प्रयास किए, तो 10 बार प्रयास करेंगे तो मात्रा कितनी मिल गई, मान लीजिए कि मात्रा 15 मिल गई। फिर 15 किए प्रयास, मात्रा मिल गई 20। तो ऐसे ही ये जो है ना, आरंभ में प्रयास जो है कम होता है, मात्रा ज्यादा होती है, बाद में प्रयास ज्यादा हो जाता है और मात्रा कम हो जाती है। यहां पर 25, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, यहां पर 60। मान लीजिए कि हमने यहां पर 60 प्रयास किया, ठीक है, यहां पर जाना चाहिए वक्र, नहीं हो पा रहा है ना, तो यही है, यह क्या है, यह वक्र है उन्नतोदर या ऋणात्मक वक्र, ऐसे ही बनता है। और फिर नेक्स्ट है धनात्मक या नतोदर, तीसरा नतोदर, तीसरा है नतोदर धनात्मक सकारात्मक, सकारात्मक अधिगम वक्र, अधिगम वक्र। अब इसको देखते हैं कैसे बनता है, यह रेखा का ग्राफ कैसे बनता है नतोदर या धनात्मक का। देखिए ग्राफ ऐसे बनेगा, ऐसे रहेगा, ऐसे। इसका मतलब यह है कि आरंभ में यह प्रयास है ना, यह प्रयास, यह मात्रा, यह प्रयास है, यह मात्रा है। इसका मतलब यह है कि प्रयास जो है आरंभ में, आरंभ में प्रयास, आरंभ में जो प्रयास है वो ज्यादा रहेगा और मात्रा कम रहेगी, लेकिन अंत में क्या होगा, अंत में प्रयास कम हो जाएगा, मात्रा ज्यादा हो जाएगी। यही पूछ देगा एग्जाम में, पूछ देगा कि अधिगम के किस प्रयास में, चाहे किस वक्र में प्रयास जो है ज्यादा है और मात्रा कम है,
प्रयास ज्यादा है मात्रा कम है तो कौन सा यह वक्र होगा? तो आप याद कर लीजिए, नतोदक धनात्मक, समझ में आ गया? ऐसे ही यह इसका रहेगा धनात्मक का, आरंभ में प्रयास ज्यादा रहेगा मात्रा कम रहेगी, अंत में प्रयास जो है कम रहेगा लेकिन मात्रा ज्यादा रहेगी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट वाले को ना। नेक्स्ट वाला क्या है? यश प्रकार का ना, मिश्रित या यश प्रकार, यश आकार का वक्र चौथा, चौथा वक्र है मिश्रित यश आकार का अधिगम, ठीक है ना। देखिए अब इसका यश आकार का मतलब कैसे बनेगा, यश ग्राफ, इसका ग्राफ कैसे रहेगा? यह हो जाएगा प्रयास, यह रहेगा मात्रा, और यश आकार का मतलब कि ऐसे ही हो जाएगा ना, ऐसा ही ग्राफ रहेगा, ऐसा ही ग्राफ रहेगा। इसका मतलब है कि आरंभ में ऊपर लिख देना, आरंभ में जो है प्रयास ज्यादा रहेगा, आरंभ में प्रयास, प्रयास ज्यादा मात्रा कम, समझ में आ रहा है प्रयास ज्यादा, और अंत में भी, अंत में यही होगा प्रयास जो है प्रयास ज्यादा रहेगा, प्रयास ज्यादा रहेगा अंत में, लेकिन जो मात्रा है वो कम हो जाएगी, मात्रा मतलब सेम है, और जो मध्य में है ना, मध्य में जो है प्रयास जो है ना सबसे उच्च अधिगम है, मध्य में सबसे उच्च अधिगम है, इसको देख लीजिए कैसे एग्जाम पूछेगा, पूछ लेगा, इसको लिख देगा कि आरंभ में प्रयास ज्यादा है मात्रा कम है, अंत में प्रयास ज्यादा है मात्रा कम है, और मध्य में उच्च अधिगम है, तो यह किस प्रकार का वक्र है? चार ऑप्शन दे देगा, चार वो है ना, सरल रेखा वक्र है कि उत्तोदर वक्र है कि नतोदर है या यह मिश्रित वक्र है। तो मिश्रित जब आपको मालूम रहेगा, इसलिए इसको मैं लिख रहा हूं, और इसी को मेन बात है कि याद करना है, यही बस ऑप्शन में पूछ देगा कि किस प्रकार का वक्र है, समझ गए ना। तो अब इस तरह हमने इसको अधिगम का जो क्लास है खत्म हो गया, फिर अगले नेक्स्ट में मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में वक्र का जो था खत्म हो गया है, नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।